सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं, जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वही तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक और हम क्या चाहते हैं किसी और का हक ले, पता है? तो सबके हक बरकरार होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। आज हमारी सोसाइटी है, सबको मिलजुल कर अगर रहना है तो आपके हक पूरी तरह से बरकरार हैं। लेकिन जो लोग ये पब्लिक सुविधा है, जो सारी रोड है, पार्क है, ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, स्टॉप है, बस स्टॉप है, जो उनका हक है वो भी बरकरार होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। तो मुझे तो हमें इसके सुप्रीम कोर्ट में भेजा है आपको ये बताने के लिए, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है आपके साथ मिलके उसका हल निकालें। हल आपका हो, आंदोलन किसका है, तो हल किसका होना चाहिए? और क्या कोई यहाँ चाहता है कि किसी और का हक मारा जाए? नहीं। तो बस, तो इसमें हम मिलके, सब मिलके हम आप सबकी बात सुनना चाहते हैं, इसलिए हम शांति चाहते हैं। आप सबकी बात हर बात सुनेंगे, अच्छी बुरी सब बात, ठीक है? तो हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आवाज निकालते हैं, है कि नहीं है? है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है? और हम नीचे हार निकालेंगे, थैंक यू, और हम ऐसा हार निकालेंगे, हम ऐसा हार निकालेंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हार निकालेंगे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए। और पूरी दुनिया ये कहने लगेगी कि ये है हिंदुस्तान का नागरिक जो अपनी भी सोचता है दूसरे की भी सोचता है। तो हम संजय भैया बताएंगे हम किस तरह से आपकी मदद से सबसे बात कर पाएंगे, और हमें मीडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बात जो हम करेंगे, हम जिसको हम को सिटीजन कहते हैं, हम आपस में जो नागरिक बात करेंगे, आप ही नागरिक हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हमें इस प्रकार बात करने दीजिए जिस तरह से हम करना चाहते हैं, बिना मीडिया के। मीडिया भी हमारे समाज का हिस्सा है, हम वकील हैं, हम जानते हैं मीडिया हमारे समाज का हिस्सा है, और हम मीडिया को जरूर बताएंगे, लेकिन पहले हम अपनी बात करेंगे।
हम आपस में बात करना चाहते हैं। सर, आर वी अलाउड टू स्टैंड हियर और शैल कंटिन्यू दिस?